मारवाड़ में कुछ शब्द बहुत चर्चाओं में हैं, हबीड़ गभीड़ और ये लाठा रहियो, इनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये ही बात है जिसके पीछे मैंने चुनाव लड़ा। ये भाषा मारवाड़ की नहीं है, ये सामंती बू है। आज भी रविंद्र सिंह बात करते तो इस बात की बात करते कि समतावादी समाज की विस्थापना के हेतु मैं संघर्ष करूंगा। आज ये बात करते कि देश में जिस प्रकार से वैमनस्य फैल रहा है उसके खिलाफ बात करूंगा। भाई अगर इनकी विदेशी ताकतों से फंड आ रहा है तो फिर ईडी क्या कर रही है? ईडी ने ठेका ही रखा है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को ही पकड़ने का। प्रधानमंत्री झूठ बोले कि साहब रिफाइनरी हमला है, क्या मजाक है? अगर रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव ही लड़ना था, अपनी बात करनी थी, तो इन बातों को कहता कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद कैलाश चौधरी जी ने इन मामलों में कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बातें की और चुनाव लड़ते तो आनंद आता। आप मार्केट में जाइए, बात करिए जी, तब सब कहेंगे नहीं यार उम्मीदवार आम आदमी भलो है, नहीं यार बटे पढ़ाई वास्ते बहुत की दो, पढ़ाई वास्ते बहुत की दो ने आ गया बटे स्कूल आर माई नहीं है, आपने जेब में 5-5 लाख मिल गया। आपके सिवाना में ही आपके उम्मीदवार बेनीवाल की सभा थी और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं बीजेपी की बीटी में, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या, ये तो बीटी में है ही है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। ये तो चित भी मेरा पट भी मेरा, इधर चले गए तो वहाँ पे उन्होंने आइडियोलॉजिकली कहाँ बात की। उम्मीदों का उम्मीद उम्मीदाराम से आज बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की अपेक्षाएं बालोतरा जिले के लोगों की अपेक्षाएं हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त मरुधरा में है। मरुधरा की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र है जो कि इस वक्त राजस्थान ही नहीं देश भर में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। और इस वक्त मैं हूँ सिवाना विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से मेरे साथ हैं आज निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुनील जी परिहार साहब। आपको बता देंगे कि गहलोत साहब के करीबी भी माने जाते हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मानस है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि ये फिर कांग्रेस में आ गए। राम राम सर। राम 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 सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत कहाँ है? देखिए उस वक्त के राजनीतिक हालात ऐसे बने और कुछ ऐसी ताकतों ने ऐसा प्रयास किया था कि सिवाना की जीती जिताई सीट थी वो षड्यंत्र के माध्यम से एकाएक मनविंदर सिंह जी को यहाँ पर लेकर आए। वो जैसलमेर चित्तौड़ सुमेरपुर जा रहे थे, पर कुछ ताकतों ने समझा सिवाना की भारी मतों से सीट निकल रही है, उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पे कैसे डैमेज हो, और ये इनके वो सफल भी हो गए और आज उसका चेहरा आपको नज़र आ रहा है कि वो कांग्रेस से लड़े और अब कांग्रेस से भी मुख होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, निर्दलीय थे, फिर कांग्रेस में आए, ये उनका क्रम चल रहा है। वो अवसरवादिता के शिकार हैं और वो कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। जिनकी खुद की कोई जमीन तक पकड़ नहीं हो वो राजनीतिक आश्रय से इस काम को चला रहे थे और उसका परिणाम भी आया है। पर मैंने जो निर्णय लिया था वो मौलिक रूप से इस बात को लिया था कि मूल कांग्रेसी मेरे साथ में थे, कांग्रेस की विचारधारा के लोग मेरे साथ थे, कांग्रेस जिस प्रकार से इस सिवाना क्षेत्र में सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ रही थी वो ऐसी ताकतें थी जो यहाँ पर दलित वर्ग को, कमजोर वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रताड़ित करती है। उस वर्ग के संघर्ष हेतु मैंने चुनाव लड़ा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिवाना की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप जैसे पूरे राजस्थान भर के शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से दुआएं की, मुझे मत दिए। तो आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि एक भारी भरकम बड़े परिवार से आते हैं, घराने से आते हैं, उनको पीछे रखकर और मुझे आगे रखा, ये सिवाना की जनता के सामंती व्यवस्था के खिलाफ का वोट था जो मुझे मिला। मैंने जो यहाँ पर बरसों बरस तक जनता के बीच में रह के कार्य किया, छोटे मोटे से लेके बड़े जितने भी, चाहे विकास के कार्य हो चाहे निजी कार्य हो, उनको पूरा किया, उसका समर्थन था। पर
जहाँ तक सिद्धांतों की बात करें, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। आपने कहा सामंतवादी के खिलाफ था, आखिर कौन है वो सामंतवादी ताकतें जो शिवाना के अंदर आपको आगे नहीं आने दे रही थी? नहीं, ताकतें तो देखिए, सामंतवादी ताकतें जो अब भी चुनाव लड़ रही है और आगे भी ये ताकतें यहाँ पर हावी रहती है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जातिगत किसी का नाम नहीं लेता हूँ। ताकतें वो है जो अपने आप का एक समूह बना के और मजबूती से कमजोर लोगों का शोषण करता, वो सामंती ताकत है। वह व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं करूँगा, कोई व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति विशेष जाति की बात करूँगा, पर ऐसी ताकतें हैं जो हावी रहती है। आप भी समझते हो, मैं इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा। आप मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी माने जाते हैं, उनका फायदा नहीं मिला आपको? देखिए, निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गहलोत साहब के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है और बरसों से हम साथ रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा, हमने भी उनका जहाँ जैसे भी हो सकता है राजनीतिक आधार पर उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। और उन्होंने जो सोच बनाई थी कि दलित, कमज़ोर, गरीब आदमी, जो पीड़ित आदमी है, जो बीमार आदमी है, जो अशिक्षित है, उसको बढ़ाने का काम किया था, उसी नीतियों के कारण मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। मारवाड़ का गांधी कहा जाता है उनको, तो ये मैंने कहा ना, यही नीतियाँ थी तब। उन्होंने आज भी अंतिम छोर पे कोई बीमार बैठा है, हम साथ भी रहते। जाकर साहब तो कई बार बैठ के, पहले मुख्यमंत्री भी नहीं थे वो, पीछे किसी के कोई गांठ हुई भी है, कोई बीमार है तो उठते कहते हैं साहब जाके देख के आओ, इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या इलाज करा सकते हैं। अच्छा, गहलोत साहब ऐसे करते थे? करते थे, कर रहे हैं। और उसी तरीके से कोई अशिक्षित हो, कोई कमज़ोर वर्ग का आदमी आओ, तो उसको हमेशा संरक्षण देने की बात की थी और इसी नीतियों के कारण उनके साथ में थे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, क्या यही कारण था कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस में वापसी हो गई? देखिए, मौलिक रूप से मैंने उस वक्त भी बात कही थी, आप जैसे कई पत्रकार साथियों ने, मैंने जब नामांकन भरा था तब उन्होंने कहा था साहब कि बागी कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील परियार जी, आप अब चुनाव लड़ रहे हो, आपकी क्या नीति रहेगी? तब मैंने एक जवाब दिया था जो मैं पुनः कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, ना तो मैं कांग्रेस का बागी हूँ, ना मैं दागी हूँ, कांग्रेस का सहभागी हूँ, कांग्रेस की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, ऐसे कमजोर वर्गों के संरक्षण हेतु चुनाव लड़ूंगा, देश में समानता आए, सौहार्द आए, एक जो राहुल जी कह रहे हैं प्रेम की दुकान हो, प्यार की दुकान हो, दुकान खोलने आए, वो खोलने आए, वही आधार पर मैंने चुनाव लड़ा। तो इसलिए कांग्रेस परिवार में मैंने तो मेरे मीटिंगों में भी बात करता हूँ जाकर भी, कि पार्टी तो माँ होती है और माँ से बिछुड़ने का जो दुख होता है उसको मैंने सहन किया है। और जब माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैंने कहीं ना कहीं सहारा लिया और वापस स्थान बनाया, फिर भी मेरी नज़रें तो उस दरवाजे की तरफ थी। देश में जिस प्रकार के राजनीतिक हालात बन रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट ने जो नीतियाँ बनाई है अमीरों को अमीर बनाने की, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनके मन में कुटिलता है कि ये 400 पार की बात करके और देश में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि लोकतंत्र ही जिंदा नहीं है, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी की मेरी जो माँ है उसने पुकारा कि बेटे आ सकते हो क्या, मैंने कहा माँ मैं तो तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ जी। दरवाज़ा खोला, अंदर आ गया और आपको जाकिर साहब बताऊं जी, तब उन्होंने कहीं पार्टी का रीजॉइनिंग हो रहा था ना, विड्रॉल, तब उन्होंने कहा साहब ज्वाइन करो, मैंने कहा मेरे जेब में तो कार्ड पड़ा, मैं तो कांग्रेस का ही हूँ, आपने बाहर किया निलंबन रद्द कर दो, खत्म बात, मेरा नया पार्टी का तो ज्वाइन करने का नहीं, निलंबन आपने किया,
विड्रॉ कर लो। आज भी पहले भी कांग्रेस ही था, अब भी कांग्रेस ही। लेकिन जिस माँ ने जिस बेटे के लिए ठुकराया था आपको, वो बेटा ही उस माँ को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया है। देखिए वो कभी कांग्रेस ही नहीं थे, और इस बात का ही तो झगड़ा था तब हमने चुनाव लड़ा। वो पहले भारतीय जनता पार्टी के थे, बिल्कुल, और हमने उनसे बात किया, आग्रह किया था कि आप मेहरबानी करके, मैंने मेहनत कर रखी है, यहाँ पर नहीं है, मुझे कमिट किया था। मुझे अफसोस इस बात का है, मानवेंद्र सिंह जी से मेरे निजी संबंध अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध है, मैंने उसकी दुआ देते हुए बोला कि मेहरबानी करके आप ठहरिए, अभी आपका माहौल नहीं है जी, और आपको आगे लोकसभा है, आप कहीं जैसलमेर जाए, कहीं जाए, मैं मदद करूंगा। पर कुछ ताकतों ने उनको भी घेर लिया था, उनको एक ऐसे घेरे में डाल दिया था कि उस चुंगल में वो फंस गए। अभिमन्यु की तरह उनकी हत्या हो गई, बेचारे को तीसरे नंबर पे आना पड़ा। मेरी तो उनके प्रति बहुत सिंपैथी है, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, राजनीतिक सूझबूझ में आप बार बार इधर से उधर जा रहे हो, उससे आपकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो रही है। और बीजेपी वाले तो बोल ही रहे कि अब जो जो आ रहे हैं देख लो भाई, अभी तो दरी बिछाओ, अभी काम करो, फिर देखेंगे। अब फायदा भी क्या, 5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है, न 5 साल का चुनाव है, न कोई बात है। अच्छा क्यों व्यवस्था है, मुझे उनके घर में दुखद घटना हो गई, उनकी पत्नी का निधन हो गया, सबको अफसोस है, दुख है। आप इंतजार करते, समय का इंतजार करते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही बढ़ जाती है। देखिए हमेशा अति सर्वता वर्जित है, उन्होंने अति महत्वाकांक्षा की तो उसका भुगतान उनको लेना पड़ा। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, हमें चूंकि ये लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं जी, और अपन लोकसभा के चुनाव की बात करें जी, अब इनसे बाहर आके मैं लोकसभा पे बात करने वाला था। कांग्रेस पार्टी ने उमेदराम बेनीवाल पे दांव खेला है, जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और इस मारवाड़ के जो मरुद्रा की जो धरती है, इस पे एक सिंपैथी की लहर भी चल रही है उनके प्रति, उनने एक नई शिक्षा को लेकर जागृति जगाई है, क्या लगता है इस बार यहाँ पे मरुद्रा में? देखिए जहाँ तक प्रश्न है माँ के घर दरवाजा आने का, तो माँ को कहने वाला ही वही आदमी था। उमेदाराम जी ने ही कांग्रेस के हाईकमान को बोला था कि चूंकि ये कांग्रेस की नीतियों वाला आदमी है, इनको पार्टी में आप नहीं लोगे तो हम सिवाना ही नहीं, बाढ़ में पूरे संसदीय क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव है, प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पार्टी में लो। तो जिस आदमी ने जब मेरी पैरवी की है, तो मेरा धर्म बनता है कि ऐसे व्यक्ति को हम न केवल जिताएं, बल्कि मैंने जो मेहनत की उससे ज़्यादा मेहनत करके प्रयास भी कर रहा हूँ। एक सुलझावा आदमी है, मैं भी उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी उद्योग से जुड़े हुए हैं। सुलझावा व्यापारी व्यवसायी आदमी है, उसको तमाम प्रकार की जानकारी है, और जब आदमी चुनाव हारता है ना तो बहुत सीखता है, मैंने भी सीखा है। हारता नहीं वो आदमी कभी सीख नहीं पाता, जीत नहीं पाता, और उनको दो दो बार हार मिली, तो जब हार का भार पड़ा, पर उनमें तब भी हार के बावजूद विनम्रता थी, सहजता थी, तब वो जनप्रिय और लोकप्रिय बने, और वो जनप्रिय लोकप्रियता थी तब कांग्रेस पार्टी में ऑफर आया उनको, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेंबर थे, दोनों बार चुनाव वहाँ हुआ, प्रदेश भर में इंडिया गठबंधन में भी आरएलपी के साथ में समझौते की और बात हो रही थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब यहाँ पे आम कार्यकर्ताओं में एक भावना थी कि आज चाहे उमेदाराम ने अपने निजी स्तर पर, आज टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की जब इन्होंने बात की, स्मार्ट एजुकेशन की जब बात की, डिजिटल एजुकेशन की जब बात की, तो मैं तो एजुकेशन का आदमी हूँ और मैं बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट डेफिनेटली आई वांटेड दैट कि इस प्रकार का कोई कैंडिडेट आए जो जिसका एक करेक्टर उस टाइप का हो, दोज हु कैन फाइट इन द पार्लियामेंट, दोज हु कैन टेक अप मैटर इन द पार्लियामेंट, और
बिकॉज ऑफ दैट आई एम ग्लैड दैट कि कांग्रेस पार्टी हैज टेकन गिवन टिकट टू उमेदाराम जी एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई एम 100% कॉन्फिडेंट ही विल गेट थ्रू ऑफ इट और वो अवश्य जीतेंगे. उसका कारण है कि पूरे देश में आपको मैं बता दूं जाकर दी जी अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं. अच्छा परिणाम की बात तो करेंगे लेकिन जिस तरीके से उमेदाराम बेनीवाल ने आप एजुकेशन की बात करें जो बायतू से जो आवाज़ निकली है एजुकेशन की क्या लगता है ये बाड़मेर जैसलमेर बल्होत्रा के कोने तक पहुंच पाएगी जो डिजिटल क्रांति है वो. देखिए आदमी जब चर्चाएं करता है बात करता है सबसे ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी होती है. लोग जब बात कर रहे हैं कहीं पर भी आप मार्केट में चले जाओ मैं तो चूंकि कांग्रेस पार्टी का हूँ तो हो सकता है कि मैं तो आपको बात करूँ मैं करूँगा. आप मार्केट में जाइए बात करिए जी तब सब कहेंगे नहीं यार उम्मीदवार आदमी भलो है नहीं यार बट पढ़ाई वास्ते बहुत की दो पढ़ाई वास्ते बहुत की दो ने आगे बट स्कूल आर माई नहीं है आपने जे मुँह 5-5 लाख मिलिया. अभी मेघवाल समाज का कोई हॉस्टल का काम था वहाँ पर थे सारे नेता तो आए उन्होंने बात नहीं की उन्होंने 5 लाख रुपये दिया. एक ऐसी बातें हैं चाहे मेघवाल समाज में बैठो चाहे दूसरे स्कूलों के समाज की बात करो तो ऐसी भावनाएं बनी तभी तो माहौल बन रहा है. माहौल तो रविंदर का भी बन रहा है लाखों की भीड़ आ रही है. देखिए एक बात मैं आपको कह दूं भीड़ आना उसका वोटों में कन्वर्जन होना और वोट मिलना वो सब भिन्न भिन्न है. भीड़ दिल से उठने वाली भी होती है भीड़ प्रायोजित भी होती है भीड़ देखने वाले भी होती है. और देखिए जाकर जी आजकल तो सब सोशल मीडिया मीडिया का ज़माना है. रविंद्र सिंह भाटी होशियार लड़का है. मैं तो स्टूडेंट का इसने चुनाव लड़ा विश्वविद्यालय से मेरे बच्चे की तरह मेरे अच्छे पर उसको एक टेम्पो बनाना आता है. उसने सोशल मीडिया की तरह ऐसा किया तो आज यहाँ पे जा रहे भीड़ क्या अच्छा रविंद्र सिंह भाटी आ रहा कौन है देखने जाए यार इस छोरे ने तो शिव में चुनाव लड़ लिया है कौन आया देखने जा रहा. जो बेसिक बात जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन बहुत भिन्न होता है बहुत भिन्नताएँ होती है लोग कई परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं. और जो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ जो उठाव पहले था वो नहीं है. जैसे जैसे लोग एक अपनी परिस्थितियों को देखेंगे फिर भी रविंदर सिंह भी चुनाव अच्छा लड़ रहा है और हमें खुशी है कि देखो लोकतंत्र में कोई आदमी अपनी बात और वैचारिक बात करके उनको कहने की बात है पर एक विशेष वर्ग से एक विशेष व्यवस्था से बात करनी आपको अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव तो देना पड़ेगा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है मेरी क्या सोच है कि आज मैं इंडिपेंडेंट रहते हुए भी मैं किस प्रकार से या के हितों की कैसे रक्षा कर पाऊँगा. क्योंकि कई बार सोचते हैं ये आइडियोलॉजिकली बीजेपी के हैं बीजेपी के आइडियोलॉजी की उनकी सोच है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ डेवलपमेंट की बात थी तो जहाँ पर वो जाकर मुख्यमंत्री के घर भी गए तो बार्गेनिंग कर रहे थे. वो तो कह रहे थे विधायक हूँ विधायक होने के नाते गए थे मैं तो. देखिए सर राजनीति में सब समझदार है बार्गेनिंग भी करते हैं और राजनीति में बार्गेनिंग होनी भी चाहिए मैं उसका मना नहीं कर रहा. पर यहाँ के हितों को सिर्फ मेरी 5 ट्यूबवेल नहीं हुए 20 हैंडपंप नहीं हुए 2 हैंडपंप लेकर आए थे. हाँ वो जो भी मैं ये कह रहा हूँ उसका नहीं हुआ उसके कारण आप ये निर्णय करो. कोई दूसरी मौलिक बात हो अगर बात तो ये होती कि भाई कैलाश चौधरी यहाँ से कृषि का मंत्री था कैलाश चौधरी कृषि के मंत्री होते हुए भी यहाँ के किसानों के साथ में अन्याय हुआ किसानों को अकाल पड़ा तब भी बीमा कंपनियों से जितना उचित चाहिए उनका क्लेम नहीं दिला पाए. बात तो रविंदर सिंह जी वो करते ना कि भाई ये नहीं दिला पाए इस कारण मैं खिलाफ हूँ. बात ये करते एक साहब आज जो लाइन जुड़नी थी जैसलमेर से लेके बाड़मेर तक के रेलवे की लाइन है वो नहीं जुड़ा पाए जो कह रहे थे कांडला तक जुड़ जाएगी
सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमने ये किया, हमने वो किया, वो जो बातें उन्होंने बोली है वो बातें नहीं करके अपने एजेंडे में लेते, एक साथ मेरे एजेंडे की ये प्राथमिकता होती। आज प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार राम ने प्रभावित इस बात से किया कि उसने सबसे बड़ी बात की थी कि नर्मदा का जो नहर का हमारा एजेंडा था, जो माही डैम का हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर देख के सर्वे की बात हुई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जाकर साहब, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ, संघर्ष समिति के लोग आए, मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात की, उनसे करके, और पिछले बजट में 2023 के बजट में माही डैम की, नर्मदा के एक्स्ट्रा पानी की और पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की क्या रूपरेखा बन सकती है, उस हेतु DPR बनाने की प्रस्तावना बजट में दी थी, वो प्रस्तावना भी हो गई। DPR बनने हेतु इन्होंने जो बजट आवंटित किया और वो DPR माई से लेके और उसका हो गया। पर उम्मेदाराम जी जो बात कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोगों को आकर्षित भी कर, उन्होंने बात की कि नर्मदा की हमारी जो कमिटमेंट था, जो इंटर स्टेट गुजरात और यहाँ से और मध्य प्रदेश से जो हमारे एग्रीमेंट थे, मई में जो हमारे एग्रीमेंट थे, उन एग्रीमेंटों में जितनी क्वांटिटी को अभी तो हमारा हक छीन लिया गया, पर जितने हमारा हक का है वो भी तो हमको मिले। और ये बात उम्मीदवार राम ने की, अगर रविंदर सिंह भाटी को चुनाव ही लड़ना था, अपनी बात करनी थी, इन बातों को कहता कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद कैलाश चौधरी जी ने इन मामलों में कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बातें ही बातें की और चुनाव लड़ती तो आनंद आता। कुछ लोग ये भी कहते हैं बीजेपी की बीटी में, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या, ये तो बीटी में है ही है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। ये तो चित भी मेरा, पट भी मेरा, इधर चले गए तो वहां पे उन्होंने आइडियोलॉजिकली कहां बात की। आज भी रविंदर सिंह बात करते तो इस बात की बात करते कि समतावादी समाज की विस्थापना के हेतु मैं संघर्ष करूंगा। आज ये बात करते कि देश में जिस प्रकार से वैमनस्य फैल रहा है उसके खिलाफ बात करूंगा। आज जो पूंजीपति जिस प्रकार से देश में हावी हो रहे हैं, जिस प्रकार से एकीकृत पूंजी का हो रहा है, आज आप हद हो गई, हमारे GDP का करीब 75-80% तो 100 लोगों के पास में है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में, और जिस ग्रोथ है वो 30-40% से पिछले 5 सालों में 70-80% चली गई। और मुझे तो आश्चर्य होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र दिया, विजन दिया 2047 का, मतलब आप तो ये कहो 2047 तक तो आप चुनाव ही मत करो, 400 सीटें दे दो, संशोधन कर दो, आपका लोकतंत्र का वोट मिले नहीं मिले तुमको सबको आगे ले जाएंगे। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप तो सारे सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हो। बिल्कुल। 2047 ला रहे हो, आप तो 5 साल का विजन दो भाई। या हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं वो 5 साल में होते हैं, आपके 5 साल का विजन देना चाहिए थे। पहले भी 5 ईयर प्लानिंग थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर ही सरकार का एक एजेंडा होता था, प्लानिंग कमीशन करता था, तो वो प्लानिंग कमीशन ही कर दिया, आयोजना विभाग बना दिया उन्होंने, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, और अब कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि इन पूंजीपतियों को हम किस प्रकार से मजबूत करें, देश में एक केंद्रीयकृत राजनीतिक व्यवस्था हो, देश में केंद्रीयकृत आर्थिक व्यवस्था हो, ऐसा माहौल है जनता समझ रही है। जाकर जी जब जाते हैं ना तो बात लोग करते हैं। बिल्कुल, मैं क्षेत्र में जाता रहता हूँ। मैं अब आपको बात करता हूँ, शेखावाटी से निकला था, मारवाड़ तक घूमा हूँ। लोगों से बात होती है जी, लोगों ने कहा साहब ये बात है कि राम को हम लाए, तब हमें क्या कहते हैं लोग पता है आपको? राम तो हमसे जन्म से आए थे, घट घट में राम है सर, और राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? हमारे तो नाम में भी राम है।
नाम में भी राम है, गटगट में राम है। मैं कह रहा हूं राम को लाने वाले हम कौन है? राम तो सब में समाया, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तो कहां बात कर रहे हो साहब आप लेके आए? और जहां तक अगर आप सनातन की और हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इन शंकराचार्यों ने इस महायोजन में क्यों नहीं हिस्सा लिया? शंकराचार्यों ने ये क्यों कहा कि साहब ये जो गति हो रही है, ये जो अभी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा जब तक गुंबद नहीं लगता, ऊपर झंडा नहीं लगता, तब नहीं है। अब यार इसमें भी मजाक हो गई फिल्म की स्टोरी की तरह। उन्होंने कहा साहब अभी तो राम लल्ला लाए, राम के तो परिवार बाद में आएगा, क्या मतलब अभी तो ये लल्ला है छोटे। अरे यार क्या मतलब हो गया, मतलब राम का स्वरूप छोटा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा? ये देश को भरमाने की बात कर रहे हैं और देश का आम नागरिक इस बात को समझ चुका है। आप भी घूमे होंगे, आज भी आप गए, कल भी रामनवमी थी, राम में आस्था हम भी रखते हैं, हम भी गए, सब गए, हमारे लिए पूजनीय है राम, पर राम के हम सौदागर नहीं है, व्यापारी नहीं है। ये राम के नाम से व्यापार कर रहे हैं और आम और गरीब जनता इस बात को समझ चुकी है। और आज दलितों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, उनको पूछो, उनका शोषण हो रहा है। आज जो सच्चाई है कि लोगों तक एक बात जा रही है, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी है, 10 गारंटियां दी है। जो गारंटियां दी है उस गारंटियों को विशेष रूप से जो लोग चर्चा में ले रहे हैं कि साहब नरेगा को कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस ये कह रही है कि न्यूनतम हम 400 रुपये रखेंगे, नरेगा के लेबर है उनको इंश्योर्ड करेंगे, लोगों के दिल में जा रहा है। राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हुआ, लोगों को जा रहा है कि राजस्थान ने करके बताया यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, जॉब चेंज कर दिया है, 5 लाख पे लिया है, जिसको कह रहे 10 लाख लाएंगे, और जो 25 लाख राजस्थान ने ऑलरेडी दे चुका था, जो देश और दुनिया ने देखा है, और कांग्रेस ने अपने कमिटमेंट लेटर में आज जो बात किया है। हम जब न्याय की बात करते हैं, व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ये बातें लोगों के जहन में आ रही है। और मेरे पास में भी पूरा आकलन है और मैं थोड़ा बहुत आप जैसे विद्वान लोगों से बात भी करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ। कुछ इतने वर्षों का जो मेरा आकलन और विश्लेषण करने का टाइम है जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इनका 400 से लेके और जो राहुल जी ने कहा है, तो ये 150 से 200 के बीच में आंकड़ा इनका रुकने वाला है। लोग समझ चुके हैं, आज भी किसान वर्ग है, किसानों के साथ धोखा हुआ, इतने वर्षों से MSP की बात हो रही है, स्वामीनाथन आयोग को इम्प्लीमेंट करने की बात थी, उन्होंने जिस प्रकार से कृषि कानून लाया, फिर हाथ जोड़ के भाइयों बहनों माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी कर दिया, पर जो लोग आत्माएं, जो हजारों लोग मरे हैं, उनके परिवारजन माफ़ नहीं करेंगे, मौका अब है जी। अपन देश से थोड़ा सा बाड़मेर पे आ जाते हैं, बाड़मेर में अभी हाल ही में मोदी जी आए थे, उन्होंने बाबा रामशाह पीर को कश्मीर से जोड़कर देखा था, उनके बारे में क्या कहना? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जय हो राम शाह पीर की, खमा खमा हमारा रूने चेहरा दनिया, धावे आखो मारवाड़ो, आखो गुजरात तो माल जी रखूंगा। तो वो कश्मीर से कहां से तो जोड़ दिया, कश्मीर का नामो निशान ही नहीं था, वो जिसमें गुजराती है बाबा का नाम ले रहे, तो कम से कम मोदी को तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि गुजरातियों की भी आस्था का केंद्र है बाबा रामदेव, और कहां कश्मीर जोड़ दिया उनको। तो ये लोगों को भरमाने के लिए वहां से करके उनका क्या दे है, लोगों को पटाओ, कुछ कहो कि कभी पाकिस्तान ले जाओ, कभी मुस्लिम ले जाओ, तुष्टिकरण की बात करो, खूब गालियां निकालो कांग्रेस को, नेताओं को। और बाड़मेर जो उन्होंने बोला उसकी बड़ी प्रतिक्रिया मैं आपको कह दूं, और SC ST वर्ग जो विशेष रूप से बाबा रामदेव जी के अनुयायी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बाबा जी को सब कुछ मानते हैं, राम साहब वीर को,
वो तमाम लोग आक्रोशित है और इस बात का जवाब ये मतों के माध्यम से न केवल बाड़मेर में बल्कि तमाम मारवाड़ के क्षेत्र में इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि ये बाबा जी रामदेव जी का अपमान किया है जी। बाड़मेर जैसलमेर सरहद से सटा इलाका है, यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं शिव से विधायक रविंद्र भाटी, उन पर कई तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में वो लंदन दौरे से आए और उसके बाद चुनाव की घोषणा करना, और उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, 100 करोड़ की फंडिंग आ रही है, इसमें आप कितना सच्चाई मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई मालूम नहीं है, पर कुछ जो सूचनाओं के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी वाले जब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में अगर इस प्रकार की हरकत हो रही है तो रोज रोज ये ईडी चाहे जिसको सर मुख्यमंत्री तक को अंदर डाल दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए कि भाई अगर इनकी विदेशी ताकतों से फंड आ रहा है तो फिर ईडी क्या कर रही है। ईडी ने ठेका ही रखा है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को ही पकड़ने का। पर ये जो बातें हुई, आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के या जिन लोगों ने भी लगाए हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि जब तक तथ्य मुझे मालूम नहीं हो मैं किसी की व्यक्ति विशेष के बारे में कोई कमेंट करूँ, कोई बात करूँ, वो मेरे लिए उचित नहीं है। ये सक्षम स्तर पर अगर ये कोई वास्तव में मामला है तो बहुत गंभीर मामला है, और अगर ये मामला नहीं है और कोई आरोप लगा रहा है तब भी गंभीर मामला, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के कोई नेता, हम तो कोई बात लगा नहीं रहे, हम कोई आरोप नहीं। बीजेपी आईटी सेल ने भी ट्रेंड चलाया था, ये आईटी सेल ने लगाया, मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस एक सीधी सरल बात है, वो अपनी नीतियों पर चलने वाली बात है। हम तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, हमने हमारा एजेंडा दिया, हमारे कैंडिडेट उमेदवार राम जी ने एजेंडा दिया, पार्टी का एजेंडा है, उसकी बात करेंगे। व्यक्ति विशेष बात पे न तो हम व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, न लांछन लगाते हैं, न हम इस प्रकार की प्रक्रियाओं में चल रहे हैं। उम्मीदों का उम्मीद उम्मीदाराम से आज बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की अपेक्षाएं, बालोतरा जिले के लोगों की अपेक्षाएं हो गई, और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि उम्मीदाराम जी अच्छे मतों से इस लोकसभा में हमारे इस सरहदी क्षेत्र का, रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो देश की सबसे बड़ी भौगोलिक दृष्टि से लोकसभा का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और लोगों में अपेक्षा है कि ऐसा सीधा सरल आदमी जिसमें सहजता है। आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाँ वो नेता टाइप का नहीं लगता है, एकदम सिंपल आदमी लगता है। मैं कह रहा हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सादा सरल आदमी, और कनेक्टिविटी में जैसा इसने 2 बार चुनाव हारने के बाद, देखिए चुनाव हारता है आदमी घर जाके बैठ, टूट जाता है आदमी, टूटता है मन में मानसिकता। मेरे को भी दूसरी बार आके जब बात की उन्होंने कि सुनील जी मेरे ऊपर दबाव आ रहा है और मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं तो एक बार चुनाव खड़ा हुआ, हार गया, जिसमें दिल कहीं कोई बात करता तो धक धक कर रहा, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। पर उनके मन में एक जुनून था कि मुझे गरीबों के लिए करना है, और अगर देश की लोकसभा में ऐसा कोई प्रतिनिधित्व होता है तो निश्चित रूप से मैं ये आपको कह सकता हूँ कि चाहे मैं हमारे जो नदियों की बात, जो हमारे संरक्षण की बात हो, अंतर जिला जिस प्रकार से हमारे अंतर्राज्यीय जो जिस प्रकार की जो पानी, चाहे नर्मदा हो, माही की बात हो, चाहे इस क्षेत्र में रेल के क्षेत्रों में जो विकास की बात हो। अब यार आपको आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, रेलवे ने अभी आधारभूत ढांचा मजबूत करने हेतु सिर्फ स्टेशनों को 60,000 करोड़ रुपए का, अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे करके 60,000 करोड़ का उन्होंने लगाया, जिसमें जोधपुर में 500-600 करोड़ का, 560-570 करोड़ का, पाली में 270 करोड़ का, आपका बाड़मेर भी है उसमें। भाई साहब ये पैसा इस अमृत रेलवे स्टेशन के बजाय ये अमृत रेल की लाइन बिछा देते, जहाँ पे वंचित क्षेत्र है वहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी हो जाती, वो सबसे बड़ा काम होता ना। आप 5-स्टार लेवल की रेलवे स्टेशन बना दोगे, अभी तक तो रेल लाइनें नहीं पूरी जुड़ पाई है, अभी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है
मैं कोई आगे बढ़ने की विकास के पीछे नहीं हूँ, पर हमें मौलिक आवश्यकता है उसको, जी बिल्कुल मौलिक आवश्यकता है उसकी है। आज बात करते हैं, सब बात कर रहे हो, अच्छी बात है, आप बना लोगे 5-स्टार लेवल की, पर हमारे अभी मौलिक स्थान पे जो बॉर्डर एरिया है, जो कि इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया में बाड़मेर जैसलमेर और ये होते हुए गंगानगर से लेकर कच्छ तक का ये पूरा लाइन, जिस प्रकार से ये भारतमाला गई है उसी प्रकार से रेलवे की लाइन आवश्यक नहीं है क्या? बिल्कुल है। और जब बात की थी इन्होंने कि हम तो बंदरगाह तक यहाँ तक ले आएंगे, कैलाश बेनीवाल जी ने पूछा, हम पूछना चाहते कहाँ है। और अब आपको मोदी जी पे वापस आ रहा हूँ, मेरे को एक बात वापस याद आ गई जी। आखिर में जब ये तो बाबा रामदेव तो बोला ही था, प्रधानमंत्री झूठ बोले कि साहब रिफाइनरी हमला है, क्या मजाक है, वो तो बहुत पहले आ गए थे, बहुत पहले आ गए थे। सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी का प्रयास था, उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास करवा दिया, चालू कर रहे थे, 4 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, पर अशोक गहलोत साहब ने आंदोलन शुरू किया, उसका मैं भी सहभागी था, मैं भी सह समन्वयक था, मदन प्रजापत जी हमारे समन्वयक थे, हम लोग जुटे थे, हमने आंदोलन किया, तब ये दबाव आया, तब मोदी जी वापस कहा साहब मैं इसका पूजन करने आ रहा हूँ, और उसके कारण 30,000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का, और झूठ बोल रहे हैं वहाँ पर सरासर कि साहब हम आए तब और कांग्रेस की गवर्नमेंट के कारण डिले हो गया। क्या से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो ये फंडिंग देखिए प्रॉपर कम से कम नहीं नहीं करते हुए मुझे मालूम है, चूंकि मैं रिको में रह चुका हूँ और इंडस्ट्री का आदमी हूँ, 8 बार तो गहलोत साहब खुद आ चुके हैं इस रिफाइनरी के वर्क की प्रोग्रेस देखने, हम लोगों को इंडस्ट्री के यहाँ पे कि PCPIR का जो पेट्रोकेमिकल की जो इंडस्ट्री आ रही है, PCPIR का जो नोड बन रहा है, जो रिको बना रहा है, उस नोड में किस प्रकार से कितने क्षेत्रों में हमने जमीन एक्वायर करके और प्रोसेस किया, और फिर झूठ बोल रहे हो यार, मतलब भगवान माफ करे, और ऐसा झूठ बोला इसका सबक देंगे जी। अच्छा एक चीज़ और, आपके सिवाना में ही आपके उमेदराम बेनीवाल की सभा थी और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थकों ने काले झंडे दिखाए, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? यार देखो मैं ऐसे बातों में नहीं पड़ता हूँ, और काले झंडे दिखाने वाले और काले तो झंडे दिखाए तो अच्छा ही है, नज़र उतार दी है उम्मीदवार राम जी की कि ये एक रास्ता रोक लेते हैं, कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, यूँ है। मैं ये कह रहा हूँ ये तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और काले लगा रहे तो अच्छा ही है ना, नज़र नहीं लगे अपने तो वो कही अब उतारे नहीं, जब पहले काले लगाते हैं गर्दन के टीका लगाओ, आंखों में काजल लगाओ, तो ये तो उनको पूरी गाड़ियों के काजल लगा के कर रहे हैं, काले कर रहे, बढ़िया है, उसमें कहाँ दिक्कत है जी। अंतिम चरण में है इंटरव्यू के, सर क्या लगता है ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें क्या देखते हैं आप इसको? देखिए चुनाव चुनाव होता है और मैं चुनाव को संघर्ष मान के चलता हूँ, पर ये निश्चित है कि उम्मीदवार राम जी जीत रहे हैं, आंकड़ों की जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ, आंकड़ों की मैं बात करता नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है कि ये जो ए और बी टीम है ये खुद ही आपस में फैसला करेगा कि बी ए बने कि ए बी बने, वो फैसले की उनके दूसरे तीसरे की लड़ाई है, एक नंबर वाला आगे जा चुका है, एक नंबर वाले की कोई लड़ाई नहीं है, हमने तो इतनी बड़ी रेखाएं खींच ली है, अब वो पीछे लग रहा है कि 2 नंबर पे कौन आए रेस में, 31 नंबर, उसमें आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हाफ रहे हैं, और एक दूसरे पे चाहे IT सेल हो, चाहे विदेशी बात करो, चाहे यहाँ की बात करो, वो उसमें जुटे हुए, हमारा तो बंदा उम्मीदा का उम्मीद चला जा रहा है और उसने लाइन लंबी खींच दी है जो दिल्ली की तरफ जा चुकी है। मारवाड़ में कुछ शब्द बहुत चर्चाओं में है, हबीड़ गभीड़ और ये लांठा रहियो, इनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये ही बात है जिसके पीछे मैंने चुनाव लड़ा, ये भाषा मारवाड़ की नहीं है, ये सामंती बू है, ये सामंती बू है जी, भचीड़ मारना ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हबीड़ दबीड़ मारना संस्कृति में नहीं, आप प्रेम से सम्मान से इज्जत से बोलो ना, ये भाषा मारवाड़ की नहीं है, ये सामंती भाषा है और उसका हमारा विरोध है।
जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी परिहार साहब। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब शिवाना से निकलकर जो आंधी जाएगी वो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा होते हुए दिल्ली कब पहुंचेगी, या तो आने वाली 26 अप्रैल को जब मतदान होंगे और 4 जून को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी चौपाल पर या फिर किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राम राम साहब।